ऋषि uh, पहले तो बहुत सारी बधाई आपको आठ महीने की जो कड़ी परीक्षा रहती है <laughs> हार्ड वर्क और उसके बाद ट्रॉफी घर घर पे ले आना और इस आठ महीने में कई फैंस आपने बनाए जिसमें से मैं भी हूँ एक <laughs> बहुत बड़ा फ़ैन आपका yeah. uh, क्या कुछ कहना चाहोगे पिछले चौबीस घंटे आपके लिए किस तरह भी थे एंड कितने सारे ट्वीट्स आए हाँ ट्वीट्स अभी फिलहाल पूरा पढ़ने का तो समय नहीं मिल पाया मेरे पास बट लाइक कि मेरे स्टेट के चीफ मिनिस्टर का yes. आ, ट्वीट आया तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है उनसे काफ़ी से जो 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 कमेंट्स मुझे मिले हैं वो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं ऑब्वियसली और बाकी मेरे जो लास्ट ट्वेंटी फोर आवर्स तो बिल्कुल अभी भी ड्रीम जैसे ही लग रहे हैं क्योंकि मैं अभी अभी तक बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ ये चीज मुझे लोग चाहिए बताने के लिए ना ब्रो यू आर आर द द विनर विनर यू आदोन ट्रॉफी भी आप देख लीजिए मैं काफी मैं अभी भी बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये इंडियन आइडल मेरे लिए एक ड्रीम था मैंने बहुत फॉलो किया इंडियन आइडल और वो टाइम चेंज हो के अब विनर बनना लाइक ये बिल्कुल शायद मैं खुद मेरे खुद के लिए इतना इंस्पिरेशन हो सकता है ये मैं अगर खुद को झाँक कर देखूँ खुद में तो ऐसा लगेगा कि यार तूने कर दिखाया yes. ऐसा जो चूँ चाहता था तो आई थिंक इस पॉसिबल अब हो पाया मेरे लिए तो और इसके लिए मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ इस चीज़ के लिए कि मैंने अपने माँ बाप का नाम hmm. रोशन किया अयोध्या का नाम कितना ऑब्वियसली अयोध्या अयोध्या ने तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है अयोध्या श्री राम जी का आशीर्वाद मेरे पे रहा है और उनके आशीर्वाद की वजह से पॉसिबल हो पाई एंड क्या कुछ कहना चाहोगे इस जर्नी के बारे में काफ़ी कुछ मुझे काफ़ी कुछ इंस्पायर किया आपकी जर्नी में आप कितने इंस्पायर्ड हुए अपनी जर्नी से एंड इतने सारे स्टार्स आए जो आपको कितनी सारी कॉम्प्लीमेंट दी रणबीर कपूर ने सबसे बड़ी कॉम्प्लीमेंट आपको दी थी चलिए क्या कुछ कहना चाहोगे अपनी जर्नी के बारे में जर्नी में बहुत कुछ सीखा है मैंने एक्चुअली क्योंकि जर्नी नॉट ईजी कि hmm. मैं मैं जिस हिसाब से सोच के आया था प्लान्स करके आया था उस हिसाब से इजी तो नहीं था बिल्कुल भी बहुत टफ कंपटीशन लाइक हार्ड कॉम्पिटिशन लाइक कोई सोच ही नहीं सकता उसको yes. कितने, कितने लेवल का है टीवी पे देखना uh, hmm. पीछे की जो मेहनत होती है अगर वो रियलाइज करेंगे तो उनकी मतलब बच्चे यहाँ पे आके अपना नींद खो देते हैं यहाँ पे अपना लाइक uh, like, सोना भूल जाते हैं अपने मेहनत के पीछे लाइक like, उनके लिए हर एक एपिसोड इतना मायने रखता है हर एक मोमेंट इतना मायने रखता है दे लव द्यूजिक सो मच की उनके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं so, और उसका मैं पार्ट बना इन सब का मैं पार्ट बना इन टॉप सिक्स कंटेस्टेंट पूरे इंडियन आइडल कंटेस्टेंट का एक पार्ट बना तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ क्या लगता है वो जो पीछे जो सरनेम है सिंह वो कितना होता है एक मान है अरिजीत सिंह अब आप मुझे ऐसा लगता है अरिजीत सिंह के बाद अगर कोई इंडिया को अच्छा सबसे अच्छा बेस्ट सिंगर आप ही रह गए मुझे इस तरह का लगता है आप क्या कुछ कहना चाहोगे आप कितना उनसे इंस्पायर्ड कितने हो क्योंकि आपके मोस्टली गाने जो उन्होंने गाए है वही है जिसमें एक केसरिया है सबसे बड़ा गाना जो थ्रू आउट द सीज़न काफ़ी बार आपने गाया रणबीर कपूर की स्पेशल में आपने गाया था क्या कुछ कहना चाहोगे उस कहना तो ये चाहूँगा क्योंकि आ, सीखने वाली बात ये होती है खैर और ये चीज़ मैं खुद के अंदर जितना जल्दी ला, मतलब क्योंकि मैं लेके भी आया हूँ और मैं ये चाहूँगा कि इसको मैं जल्द से जल्द एग्जीक्यूट करूँ क्योंकि सीखने वाली बात ये है कि मैं जिनको आइडल माना है अरिजीत सिंह फॉर लाइक उनसे मैंने ये सीखा है कि कि आप अपने म्यूजिक को जितना अगर प्यार करोगे तो आप उतना ही अच्छा म्यूजिक डिलीवर कर सकते हो अपने ऑडियंस को राइट right. आपसे uh, आप कनेक्टिविटी लाइक म्यूजिक बनाना इज वेरी इजी नाउ अडेज आप लाइक नॉर्मल म्यूजिक कंपोजर्स और उनके लिए बनाना इजी हो जाता है अब, uh, लोग बनाते हैं अपने हिसाब से सोचते हैं बट द थिंग इज कि जब आप कनेक्ट कर, करते हो ऑडियंस से लाइक like, hmm. तो उनसे एक hmm. एक फैमिली वाला बॉन्ड बन जाता है लाइक द सेम थिंग विद अरिजीत सिंह अरिजीत सिंह भले ही कितना कनेक्ट रहते हैं वो अपने ऑडियंस से ऑडियंस उनको उन, उनके कॉन्सर्ट में अगर देखती है उनके गाने सुनती है तो रोती है अगर उनके हैप्पी सॉन्ग्स होते हैं तो उसमें हंसती है उनके पार्टी सॉन्ग्स होते हैं तो उसमें डांस भी करती है yes. तो एक एक फ़ील है अरिजीत इज़ अ फील तो ऐसा फील बनाना इज़ थोड़ा टफ इन दिन द इंडस्ट्री इंद, yes. तो उस कनेक्टिविटी को मैं ढूंढ रहा हूँ और उसके लिए पूरा कोशिश करूँगा खैर थ्रू आउट द सीज़न इतना कनेक्ट किया लोगों ने तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट मेरे लिए बन गया है और उसके लिए मैं बिल्कुल मेहनत करने के लिए रेडी हूँ और अपना पूरा मतलब कहते नहीं अपना म्यूज़िक देने के लिए रेडी और yes. देबुष्मिता और आपकी जो हेल्दी कंपटीशन थी जो लोगों को लगा एक हेल्दी कॉम्पिटिशन हाँ. आप किस तरह देख रहे थे उस हेल्दी कंपटीशन को और लास्ट तक वो कॉम्पिटिशन रहा आपके मन में था कि हाँ अगर मुझे कोई कम्पीट कर सकता देबुष्मिता है आप कुछ बताना चाहोगे उसके बारे में ऑब्वियसली लास्ट मोमेंट पे तो नहीं लग रहा था कुछ भी हो सकता है लाइक कि कोई भी रेस के में आगे आगे है, आ सकता है नॉट पीछे तो कोई नहीं जाएगा ऑब्वियसली टॉप का पार्ट बनना नॉट वेरी इजी बट उसमें आगे ही कौन रहेगा ज्यादा आगे कौन रहेगा वो सोचना थोड़ा डिसाइड करना मुश्किल हो रहा था हम कंटेस्टेंट के बीच में पर एट लास्ट देबोष्मिता जब देबोषमिता और हम एक साथ खड़े हुए थे फॉर द विनर पोजिशन के लिए तो उस टाइम पे दोनों ही ब्लैंक थे लाइक दोनों ही नीचे देख रहे थे और दोनों यही सोच रहे थे कि यार अब क्या होगा मतलब हम दोनों एक दूसरे का हाथ इतने टाइटली पकड़े हुए थे और इतना होल्ड किए हुए थे ऐसा लग रहा था अब कुछ भी होगा रेडी है फॉर दैट सो वो मोमेंट ऑब्वियसली विनर का वही होना चाहिए था क्योंकि लाइक like, विनर uh, कोई भी होता खुशी उतनी ही होती उसको भी और बाकी कंटेस्टेंट को भी yes. जो भी हुई और क्योंकि विनर विनर इज़ जस्ट नॉट अ पर्सन लाइक कि उस ट्रॉफी की इज्जत इतनी है वो ट्रॉफी जिसके हाथ में जाती है उसकी रिस्पेक्ट इतनी हो जाती है तो वैल्यू इस ट्रॉफ़ी की है आर्टिस्ट की तो है ही ऑब्वियसली बट उससे ज़्यादा इस ट्रॉफी की वैल्यू है Uh, काफ़ी लोग आपको सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं बट एक नाम सबसे इम्पॉर्टेंट है कई बार जिक्र होगा वो है विराट कोहली का आपको पर्सनली मैसेज भी किया था उन्होंने हाँ जी हाँ जी uh, क्या कुछ कहना चाहोगे कब आपको पता चला आप देख रहे थे डीएम क्या किसी ने बताया है नहीं, नहीं, नहीं देखा मैं नहीं था एक्चुअली मैंने खुद से ही देखा था पर मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि मतलब वो वही है कि मतलब इट्स लाइक अ ड्रीम मतलब मतलब कैसे पॉसिबल हो सकता है मतलब जिनको सब फॉलो करते हैं ही इज़ फॉलोइंग मी फॉर माय म्यूज़िक सो समथिंग ही इज़ एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी माय म्यूज़िक शायद yes. वो एक्सपेक्टेशन है उनका कि मैं कुछ अच्छा करूं अपने म्यूज़िक को जस्टिस दूं अपने म्यूज़िक को लेकर आऊं इंडस्ट्री में और तो वो एक एक अंदर की भावना आती है उनसे कनेक्ट right. कर सकता हूँ मैं तो वो उस उस आशीर्वाद को लेकर मैं चल रहा हूँ हमेशा और चलता रहूँगा इस चीज़ को योर करियर इज़ वेरी यंग, सो यू हैव प्लान फॉर क्या कुछ आपने प्लान किया है वाला हूँ काम और uh, सीखने का अब्रॉड सीखने का बहुत अच्छा है अपना म्यूजिक जाके और इंटरनेशनल आर्टिस्ट को बहुत फॉलो करता हूँ तो yes. सीखने का बहुत अच्छा है कोई ऐसे इंटरनेशनल आर्टिस्ट जिसके साथ कोलैब करने का सपना हो आपका उसका कोल्डप्ले ब्रूनो मार्सन लाइक फॉरएवर फॉरएवर फेवरेट सो कभी मौका मिल गया सर वो भी एक ड्रीम जैसा ही हो जाएगा फॉर शो यस yes. मुझे ऐसा लगता है कि रणबीर कपूर को आ, आवाज देने का आपका सपना रहेगा क्योंकि काफी बार बिल्कुल बिल्कुल आ, उनके ही गाने गाए हाँ. उन्होंने बोला भी था कुछ बचा लेते <laughs> आ, मेरे लिए गाने आप अगर उनसे वो चीज़ वो कमेंट्स आना है कि मतलब आ, अगर तुम ये गाना गाते तो, तो उसमें भी कोई एक परसेंट की कमी नहीं रहती आई थिंक वो भी सूट करता है right. मेरे पे तो वो कमेंट उनसे आना है दैट मींस ही फील मतलब उनको ये ऐसा लगा कि ऐसा हो ऐसा हो सकता है hmm. तो वो मोमेंट मेरे लिए कितनी बड़ी बात होगी आप खुद सोचिए मतलब कि एक नॉर्मल बंदे के लिए जो एक ऐसे मतलब शहर से है जिसको मतलब अभी कोई नहीं जानता उसके बाद आप सब जान रहे हैं इनफैक्ट रणबीर कपूर इज वन ऑफ दैम सो वो एक बड़ा और ही उन्होंने नाम भी दिया है काफी अच्छा नाम क्या लगता है सिंह साहब अब सब सिंह साहब सिंह साहब ही भी रहेगा ऑब्वियसली सो सिंह साहब जो टाइटल मुझे दिया है सो मतलब ग्रेट मोमेंट फॉर मी जब आपके रूट लेवल की बात करूं किस तरह से गाने की शुरुआत आपने की प्रैक्टिस कैसे करते थे आपको जब यंग एज में आप थे एकदम स्टार्टिंग फेज ऑफ योर करियर स्टार्टिंग फेज तो बहुत ही थोड़ा मतलब ऑब्जर्विंग ही था मतलब ऑब्जर्व कर करके मैं सीख रहा था और मैंने कहीं फॉर्मल ट्रेनिंग तो नहीं ली किसी से पर जितना कुछ हो सका मैंने खुद जो फील कर सका मैंने अपने म्यूज़िक को मैं वो देना चाहा और आइडल में आने से पहले भी मुझे ये बात हमेशा लगी थी कि मेरे से ज़्यादा सीखे और एक्सपीरियंस यहाँ सिंगर्स आते हैं इंडियन आइडल में उसका हिस्सा बनते हैं तो उन, उनके बीच में खड़े होकर उनका पार्ट बनना इस थोड़ा टफ हो सकता है मेरे लिए पर मैंने ये भी ज़रूर सोच लिया था कि मैं अपना हंड्रेड परसेंट तो एक बहुत छोटा वर्ड होता है लाइक हंड्रेड परसेंट तो देना एक बहुत छोटा वर्ड होता है बट जब आर्ट जब से एक सिंगर ये कहता है कि मैं अपना पूरा शरीर देने के लिए मतलब एक कहता है ना मैं मर जाना चाहता हूँ उन अपने ऑडियंस के लिए लाइक like, मैं गाऊंगा तो उनको लगना चाहिए कि मैं मतलब मैंने दे दिया अपना पूरा म्यूजिक उनको yes. एक परसेंट भी नहीं बचा के रखा लाइक like, कोई ये भी बोले कि पॉइंट फाइव भी मैंने छोड़ा पॉइंट वन भी मैंने छोड़ दिया मैंने सब देने की कोशिश किया तो जितना भी मैंने दिया मैंने अपना पूरा दिया है एंड आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट हमेशा और यही प्रूफ करने की कोशिश की है कि सब, तो सबसे सब ज्यादा किसको ऑब्जर्व करते थे यंग एज में आपने जिस तरह मुझे अभी थोड़ी देर पहले बोला कि आप ऑब्जर्व करते थे कोई ऐसे कलाकार अरिजीत सिंह अर... उनका कोई ऐसा सॉन्ग जो काफी बार शुरू से एक्चुअली क्योंकि फिर मोहब्बत द सॉन्ग के जब उस टाइम पे आया देन उसके बाद तुम ही हो आशिकी टू के सारे गाने उसके बाद आई रिमेम्बर खामोशी एन बातें या कभी ना वॉज द सॉन्ग जिसको मैं रेगुलरली लूप में सुनता था लाइक like, उसको मैं कॉपी करने की पहले कोशिश करता था दैन ये धीरे धीरे चीज़ें आने लगी कि नहीं अब एक इंडिविजुअल आर्टिस्ट इंडिविजुअल आर्टिस्ट ही होता है उसको एक उसका बनाना और आई इम्पोर्टेंट तो वो इंस्पिरेशन तो ऑलवेज अरिजीत सिंह ही रहेंगे uh, मैं केसरिया तो सुनूंगा ही दो लाइन बट ए दिल है मुश्किल आपने जो गाया था आई hmm. गेस uh, वो एकदम कॉपी था तो पहले दो लाइन ए दिल है मुश्किल की और uh, दो लाइन केसरिया बिफोर एंडिंग ऑफ दिस कॉन्वर्जेशन ओके आई विल ट्राई टू तू सफर मेरा है तू ही मेरी मंजिल तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल थैंक यूरिया वन ऑफ माय फेवरेट हमेशा के लिए केसरिया तेरा इश्क है पिया रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं दिन बीते सारा तेरी फिक्र में रन सारी तेरी खैर मनाऊं थैंक यू थैंक यू सो मच ऋषि ऑल द बेस्ट आपके करियर के लिए एंड <laughs> आप और गाना गाते रहो एंड सबके साथ कॉल करते रहो थैंक यू यूक यूकिन